इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें, और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। आई है सरकार की तरफ से, खुफिया तंत्र की तरफ से, कि पुलवामा हमले के बाद 43 युवक जैश ए मोहम्मद में शामिल हुए। 43 पंच मक्कार बिरादरी के युवक जैश ए मोहम्मद में शामिल हुए हैं, और इन सब को जो है आप बताऊं कि ये पुलवामा में अटैक पिछले साल फरवरी में हुआ था, और इसमें भी जैश ए मोहम्मद का नाम सामने आया था, और इसमें उसके बाद बड़े पैमाने पर जैश ने हमारे युवकों को भर्ती किया है। हमारे क्या, उन्हीं के युवक हैं, हरे हरे हैं सब। तो ये बात जो है ये एक बहुत चौंकाने वाली है। हमारी सरकार की खुफिया एजेंसी ने कही है, और ये इसलिए खतरनाक है कि ये लोग फिर से आतंक का नंगा खेल खेलना चाहते हैं। इसलिए बुरहान वानी का जो गैंग मीडिया में भी बैठा है, स्कूल मास्टर का बेटा कहता था, वो लोग भी इसको प्रमोट करने में लगे हुए हैं। और 2016 में जब वो मुठभेड़ में मारा गया था, तो किस लेडी पत्रकार ने स्कूल मास्टर का बेटा बताया था, आपको ध्यान होगा, कि उसको पूरी तरह से ग्लैमराइज किया गया। उस ग्लैमराइज के कारण भी बड़ी संख्या में जैश में वहाँ के लोग भर्ती हो रहे हैं, वहाँ के जो युवक हैं भर्ती हो रहे हैं। NIA के आरोप पत्र में इसका उल्लेख किया गया है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के आरोप पत्र में ये उल्लेख किया गया है कि आतंकवादी और आत्मघाती हमले के मास्टरमाइंड मोहम्मद उमर फारूक पुलवामा हमले के बाद भारतीय सैनिकों के शवों के वीडियो बनाकर जम्मू कश्मीर में युवाओं को दिखाने का प्लान बनाया था कि उन्हें आतंकी समूह में शामिल होने के लिए राजी किया जा सके। ये NIA के आरोप पत्र में बताया गया है, और ये खतरनाक है, इस पर नजर रखने की जरूरत है। पिछले 18 महीने में जैश का प्रभाव दक्षिणी कश्मीर में बहुत तेजी से बढ़ा है, और इसीलिए काफी सारे युवा भी लापता हो चुके हैं, यानी वो हरे पड़ोसी के यहाँ जाकर ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये आंकड़े, सरकारी आंकड़े बताते हैं कि जैश पिछले 3 वर्षों से धीरे धीरे अपने कैडर को मजबूत कर रहा है, और 2018 के बाद लापता हुए 80 से अधिक युवा जैश में शामिल हो चुके हैं, और इसमें से 43 तो पुलवामा के बाद शामिल हुए हैं। तो सरकार की नजर है, और मुझे उम्मीद है कि सरकार इस पर ठोस कार्रवाई करेगी, हमारी सेना ठोस कार्रवाई करेगी।